हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? और आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और आज क्या कहते, 3 दिन से हो रही है बारिश। बारिश की वजह से इतना बुरा हाल हो रहा है हमारे घर में। देखिए, पूरे आंगन जो है पानी से भरा हुआ है। आज 3 दिन से कपड़े सूखे भी नहीं हैं। जो भी आंगन इतना बुरा हो रहा है कि क्या बताऊँ। आंगन में चला भी नहीं जा रहा, लेकिन जाना पड़ता है। ये कपड़े 3 दिन से पड़े हुए हैं, सूख नहीं रहे हैं। और आज इधर मैंने आलू चढ़ाया है। आलू उबल जाएंगे तो फिर बनाएंगे हम आलू के पराठे। देखिए, जा रहे हैं चाय पीने। बारिश इतनी ज़्यादा हो गई है कि ना बाहर निकला जा रहा है, ना अंदर कहीं जगह है कि हम अपने कपड़े डाल लें। कपड़े भी नहीं डाल पा रहे हैं, इतनी ज़्यादा मतलब बारिश हो रही है। बाहर हमारे यहाँ भैंस है, गाय है, उसको उसको भी बांधने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि रात भर तो वो बरामदे में बांधे रहते हैं। अब दिन में उनको बाहर घुमा के मतलब बाहर बांधना होता है, लेकिन बाहर कहीं जगह ही नहीं है, बांधो तो कहाँ बांधें। बारिश इतनी हो रही तो नीम उनके नीचे इतना कीचड़ हो रहा है। फिर आज जो है कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा। बस ये है कि करना तो पड़ता ही है, सब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो आज हम बनाएंगे आलू के पराठे, और उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं चाय पीने। चाय अभी कोमल गई है, नमकीन नमकीन लेके आएगी। चलो चाय कर लिया है, पी पीएंगे। वहाँ बहुत चिपचिप हो रहा है। ये देखो, अभी ये सो ही रहा है, मेरा नटखट बेटा। ये भी सो रहा है, आज ये उठेगा 8 बजे। तो वैसे फ्रेंड्स, आज मेरे घर बनने जा रहे हैं क्या? आलू के पराठे। भाई मुझे तो बहुत पसंद है। मम्मी आपको पसंद है ना? इस टाइम तो बनते ही रहते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन। हाँ, ठंडियों में तो अच्छे ही लगते हैं खाने में, बहुत ज़्यादा वो भी। आज बारिश भी हो रही है और मेरी तो छुट्टी भी है, तो आज यही बनने वाले हैं क्या? पराठे। तो चलिए, आज खाएंगे हम लोग पराठे। तो अभी मम्मी बना रही है भरता, जो कि आटा सान चुका है। बस यही भरता बनेगा, उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे पराठे। यम्मी यम्मी। सो फ्रेंड्स, आज मौसम इतना सुहाना हो रहा है कि सब लोग बस यही सब खाना पसंद कर रहे हैं। तो आज मेरी तो आज आंटी ने बनाए हैं यही पकौड़े, तो वही देने आई थी अभी है, तो हम लोग ये खाने वाले हैं अभी। फिर वैसे तो मम्मी पराठे बना ही रही हैं, तो वो भी खाएंगे, ये भी खाएंगे, सब खाएंगे। आप लोग भी खा लो। चलो आप लोग भी खा लो, थोड़ा सा लो खा लो। तो देखिए, ये पिसा हुआ नमक है, इसमें मिर्ची है, लहसुन है, और नमक है, इसमें सारा कुछ, जीरा है, इसमें सब कुछ पड़ा हुआ है। तो इसीलिए हम लोग तो इसी को गर्मी ठंडियों के टाइम में आलू को फ्राई कलहारते नहीं है, बस ऐसे ही बनाते हैं। और ये एक मिर्च डाली है, और ये एक चम्मच जीरा। तो जब बनेंगे तो हम आपको बुलाएंगे खाने के लिए, आप आइएगा ज़रूर। चलिए, तब तक हम इसको मिला लेते हैं। और खुशबू के लिए मुझे हींग की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, तो थोड़ी सी इसमें हम हींग भी डालेंगे। मुझे नहीं अच्छी लगती। मुझे अच्छी लगती है, जाओ मुझे डालनी है। जाओ, चलो इसे खोलो, मत बंद करो। सो फ्रेंड्स, ये पराठे जो हैं ये सादे हैं, क्योंकि वो जो भरता है ना उसमें प्याज लहसुन पड़ा हुआ है, तो उसे हम कृष्ण भगवान को भोग लगा नहीं सकते, लड्डू गोपाल को। इसीलिए मम्मी ने सादे बनाए थे, तो मम्मी ने भोग भी लगा दिया है। तो अभी बना रही हूँ गुड़ मम्मी, से। हाँ गुड़ से देखो भोग लगाया था, गुड़ और पराठा। तो अभी बना रही है मम्मी आलू के पराठे, जो कि भर दिया है, अभी बनेगा, फिर हम लोग खाएंगे। यम यम यम।
सो गाइस, आप लोग को पता ही होगा ये स्नैपचैट का एक इफ़ेक्ट है जिससे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो आई थिंक ये थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। सब ब्लैक एंड ब्लैक एंड टिम टिम तारे और मम्मी बीच में, टिम टिम तारे, टिम टिम तारे और मम्मी बना रही हैं पराठे बीच में बैठ के। तो देखते रहिए ये इफ़ेक्ट, सच में इफ़ेक्ट तो अच्छा लग रहा है। बन चुके हैं हमारे यम्मी यम्मी पराठे और ये देखिए टमाटर की रेड रेड, या क्या यम्मी चटनी है। तो अभी हमको ये खाना बाबा को देना पड़ेगा पहले, फिर उसके बाद हम खाएंगे। तो चलिए दे आते हैं चाची। सभी लोगों ने खाना वाना खा लिया है, बच्चे भी खा चुके हैं और मम्मी भी खा चुकी हैं, पापा भी खा चुके, सब लोग खा चुके। अब मुझे लग रही है भूख बहुत तेज से, क्योंकि पराठे बना रहे थे तो वैसे भी बहुत मन कर रहा था खाने का, लेकिन हम सब खा चुके हैं। उसके बाद अब हम जा रहे हैं खाने, देखो अभी अभी जा रहे हैं पराठा का मतलब खाना खाने, खाना खाने के बाद। और आज अभी भी बारिश हो रही है तो आंगन में ही बैठ के बर्तन धुलते हैं, तो बर्तन अभी तो धुलेंगे नहीं, जब बारिश बंद हो जाएगी तब उसके बाद ही बर्तन धुलेंगे। तो आज मैं अपना ब्लॉग जो यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं तो खाना खा चुकी हूँ मम्मी से पहले ही, मम्मी ने जैसे बताया, तो अभी तो मम्मी खा रही, उसके बाद मैं तो अभी आग के पास बैठी हुई हूँ और ये पानी गर्म हो रहा है किसी को नहाने के लिए, देखते कौन नहाता है। हम तो नहाएंगे नहीं आज, हाँ नहीं नहाएंगे, पानी गर्म हो रहा है, बर्तन बाद में इसी से धुले जाएंगे। हाँ बर्तन इसी से धुले जाएंगे, मम्मी ने खुद ही बोल दिया, अब हम क्यों बोले। तो यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है और मैं यहाँ पे आग ताप रही हूँ भी, और ये मम्मी खाना खा रही, नहीं ये मैं हूँ, ये पानी गर्म हो रहा है और मम्मी इधर खाना खा रही है। तो अच्छा, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।